हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर की। कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर आजकल काफ़ी प्रचलन में है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सैमसंग का 275 लीटर कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर है। कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर में हम अपने रेफ्रिजरेटर में मौजूद फ्रीजर कंपार्टमेंट को भी फ्रिज में बदल सकते हैं। बस यही अंतर होता है कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर और नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में। फ्रीजर सेक्शन को फ्रीज में कन्वर्ट करने का बड़ा ही आसान तरीका है। इसके डिस्प्ले पैनल में जो बीच वाला बटन दिया गया है, उसे हम 3 सेकंड्स तक प्रेस करेंगे तो फ्रीज़र सेक्शन फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब हमारा फ्रीज़र भी फ्रिज में कन्वर्ट हो गया है। कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो जो आपने अभी देखा। दूसरी श्रेणी में आने वाले कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर और भी एडवांस्ड होते हैं। इन रेफ्रिजरेटर में हम फ्रीज़र को फ्रिज में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ फ्रिज या फ्रीजर दोनों में से जिसे भी चाहे बंद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके परिवार को लंबी छुट्टियों पर जाना है, तो आप अपने रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर कंपार्टमेंट पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। बिजली भी आपकी सिर्फ फ्रीज कंपार्टमेंट के लिए यूज़ होगी। दूसरा उदाहरण है, सर्दियों का मौसम है और आप घर पर अकेले हैं और आपको रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा सामान स्टोर नहीं करना। ऐसे हालात में आप अपने फ्रीज सेक्शन को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं और फ्रीज़र को फ्रीज की तरह यूज़ कर सकते हैं। बिजली भी आपकी सिर्फ फ्रीजर कंपार्टमेंट के लिए ही यूज़ होगी। कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर आम रेफ्रिजरेटर की तुलना में 2-3 हज़ार रुपये महंगे होते हैं। इनके मुख्यतः दो फायदे होते हैं, जगह की बचत और बिजली की बचत। दोस्तों, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही दोबारा मिलते हैं।